तो गुरुजी की समाज को बहुत ज़रूरत है। आप देख रहे हो कि क्या जब से गुरुजी गए हैं तो कितना कुछ दुनिया में हो रहा है। नमस्कार दोस्तों, द फैक्ट टाइम में आपका स्वागत है। आपको डेरा सच्चा सौदा के अंदर से सीधी तस्वीरें दिखा रहे हैं, जानते हैं जनता का क्या मानना है डेरा सच्चा सौदा संस्था वैसेंट डॉक्टर गुरमीत राम रेम सिंह जिंसा के लिए। जो आज भी लड़कियाँ यहाँ पर आ रही हैं उनकी क्या कहना है जानेंगे उन्हीं से बातचीत करके। नमस्कार मैम, आपका शुभ नाम। मेरा नाम जसप्रीत कौर है। जसप्रीत जी, कहाँ से आए आप? मैं संगरूर से आई हूँ। क्वालिफिकेशन क्या है मैम? मैं मास्टर्स हूँ कंप्यूटर स्ट्रीम में। मैम इतने एजुकेटेड हो आप स्टिल डेरा सच्चा सौदा संस्था में आ रहे हो, किस सोच के सास्ता से आप? क्योंकि यहीं से हमने मानवता की सेवा करना सीखा है और यहीं से हमने रूहानियत से जुड़ना भी सीखा है। बहुत से अच्छे मानवता भलाई के कार्य हैं जो सेंट डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह जी इंसान जी ने हमें बताए हैं। जैसे 138 मानवता भलाई के कार्य हैं, खूनदान करना, किसी को राशन देना, ज़रूरतमंद परिवार को कपड़े देना, सर्दियों में ज़रूरतमंद लोग जो सड़कों पर रातें गुजार रहे हैं उनको कपड़े प्रदान करना, और भी ऐसे कई नेक कार्य हैं जो गुरुजी ने हमें बताए हुए हैं। ऐसे नेक कार्य करके हमें बहुत खुशी मिलती है, अंदर से सुकून मिलता है। तो इसी सोच से हम यहाँ पर और ये डेरा सच्चा सौदा के साथ हम जुड़े हुए हैं। मैम अगर बात की जाए यहाँ के बारे में, जो मीडिया में दिखाया गया था काफ़ी कुछ अलग बोला जा रहा था, खासकर लड़कियों की सुरक्षा के ऊपर सवाल उठाया गया था, उसके लिए क्या कहना है? अगर हम बात करें लड़कियों की सुरक्षा के लिए तो गुरुजी ने लड़कियों को ही सबसे पहले जो पहल दी है, तो यहाँ पर अगर समाज में हम देखें तो कहीं भी जाते हैं तो हम वहाँ पे जाके सेफ्टी फील नहीं कर रहे, वहाँ पे जाके हमें लगता है कि कहीं ना कहीं हमें डर सा महसूस होता है। लेकिन यही एक जगह है, डेरा सच्चा सौदा एक ऐसी संस्था है, यहाँ पर हमें कोई भी डर नहीं फील होता। हम बिना किसी हेजिटेशन से हम कहीं भी घूम सकते हैं। तो गुरुजी हमारे ऐसे गुरु हैं, हमारे पापा हैं जिन्होंने हमें बहुत सी सुविधाएं दी हैं और हमें यहाँ पे आके कोई डर नहीं लगता। और बात करें अगर मीडिया की, मीडिया में जो कुछ भी दिखाया जा रहा है वो सरासर झूठ है। जो भी गुरुजी के ऊपर इल्ज़ाम लगे हुए हैं या कुछ भी बातें बनाकर, मनगढ़ंत कहानियाँ बनाकर वो टीवी पर दिखा रहे हैं और लोगों को गुमराह कर रहे हैं। और अगर आप देखें तो आज भी 7 करोड़ संगत में से इतनी लड़कियाँ हैं जो डेरा सच्चा सौदा के साथ जुड़ी हुई हैं और मानवता भलाई के कार्य भी करती हैं और आगे बढ़ते हैं। अगर मैं बात करूँ तो मैं भी डेरा सच्चा सौदा में IT विंग की मेम्बर हूँ और मैं भी सेवा करती हूँ, तो मुझे 25 साल हो गए डेरा सच्चा सौदा के साथ जुड़े हुए। लेकिन हमने कहीं भी ऐसा कोई कुछ नहीं देखा जो मीडिया में दिखाया जा रहा है, वो सब कुछ सरासर झूठ है, गलत है, गुरुजी के ऊपर आरोप लगाए जा रहे हैं। मैम इस तरीके से क्यों, मतलब आपको क्या लगता है एक संत को, मतलब जिन्होंने समाज के लिए कार्य किया जिस तरीके से आपने बताया, फिर उनको क्यों टारगेट किया गया, उन्हीं के ऊपर ऐसा? अगर आप देखें तो डेरा सच्चा सौदा संस्था आपने कहीं घूमकर देखा होगा तो यहाँ पर पहले तो 138 मानवता भलाई के कार्य जो डेरा सच्चा सौदा संस्था के अलावा कोई भी नहीं कर सकता, ठीक है। और दूसरी बात, रूहानियत से जोड़ना सिर्फ गुरुजी ही कर सकते हैं, कोई ऐसा संत या फिर कोई ऐसा गुरु नहीं अभी तक धरती पर आया जिन्होंने 7 करोड़ संगत को रूहानियत से जोड़ा, मानवता की सेवा करना सिखाया, सच की राह पर चलना सिखाया। तो एक ये कैसे संत हैं जिन्होंने दुनिया में बहुत से अच्छे कार्य किए हैं, तो ये तो बात है ना, अगर कोई अच्छा करता है समाज के लिए या फिर दुनिया के लिए, तो कुछ ऐसे दुनिया में ऐसे भी लोग हैं जो जिनकी जो दुकानदारी बंद हो रही है, जैसे नशे छुड़वाए हैं गुरुजी ने, तो जो ड्रग माफिया हैं तो कुछ ना कुछ उन्हें तो अंदर से फील होता है ना कि उनका धंधा बंद हो रहा है, ठीक है। जैसे वेश्याओं को, वो लड़कियाँ जो गरीबी में और वो नर्क में धकेलते हैं उन्हें, है ना, उनके परिवार उन्हें वहाँ पे छोड़ जाते हैं, तो गुरुजी ने उन लड़कियों को उन दलदल से निकाल कर अपनी बेटियाँ बनाए, उनकी शादी भी करवाई। तो जो ऐसे लोग हैं जो ये नहीं चाहते कि समाज में अच्छे नेक कार्य हो और जो नहीं चाहते कि समाज में सुधार हो, तो ऐसे लोग हैं जो एक संत के ऊपर, गुरुजी के ऊपर आरोप लगा रहे हैं। ज़रूरत है मैम इस समय संत जी की समाज को? हाँ जी बिल्कुल, बहुत ज़रूरत है। आप अभी भी देख रहे हो कि समाज में तो गुरुजी की समाज को बहुत ज़रूरत है। आप देख रहे हो कि क्या जब से गुरुजी गए हैं तो कितना कुछ दुनिया में हो रहा है। अभी देखो आप फॉरेन में, यूक्रेन में, रूस में जो जंग लगी हुई है, तो ऐसे में भी हमें बहुत ही गुरुजी की ज़रूरत है, समाज को भी बहुत ज़रूरत है गुरुजी की। और जो नशा कर रहे हैं, जो नशा करके अपने परिवारों को, अपने बीवी बच्चों को मारते हैं, पीटते हैं, तो ऐसी चीज़ों को जो है गुरुजी ही सुधार सकते हैं, दुनिया में और कोई नहीं सुधार लेकर आ सकता। आपको क्या लगता है सजा मिल किसको रही है, संत जी को या समाज?
ये सजा समाज को मिल रही है, संत जी को नहीं मिल रही। संत जी तो पहले से ही मानवता भलाई के लिए ही जीते आ रहे हैं, वो काम करते आ रहे हैं, ये समाज को सजा मिल रही है। लेकिन जो है दुनिया को सच तो मालूम है, लेकिन आगे कोई नहीं आ सकता, आगे कोई नहीं आना चाहता कि गुरु जी की सच्चाई जो है कोई नहीं दिखाना चाहता। क्या अपील करोगे आप सरकार से, क्या मांग करोगे? मैं सरकार से यही अपील करती हूँ कि हमारे समाज को संत डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह जी इंसान जी की बहुत ही ज़रूरत है। तो मेरी सरकार से यही अपील है कि वो सच को जाने और सच को दिखाएं क्या सच है, वो अंदर से देखें कि क्या सच है, और गुरु जी को जल्दी से जल्दी बाहर निकालें। जी बहुत बहुत धन्यवाद मैम हमारे साथ जुड़ने के लिए। दोस्तों देख सकते हो आप जनता की आवाज़, हम डेरा सच्चा सौदा में पहुंचे हैं। यहाँ पर वेल एजुकेटेड लड़कियाँ जो हमारे साथ जुड़ रही हैं, जिनका कहना है जो लोग नहीं चाहते समाज से नशा खत्म हो, जो लोग नहीं चाहते समाज से वेश्यावर्ती दूर हो, उन लोगों ने संत डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह जिंसा को झूठे आरोप लगाकर समाज से दूर किया है। इनका कहना है कि जब से संत जी समाज में नहीं है, सजा समाज को मिल रही है। संत जी समाज की जरूरत है, सरकार से बार बार अपील की जा रही है जनता के द्वारा। आप भी देखते रहिए जनता की मांग, द फैक्ट टाइप के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।